श्री सीताराम की जय हो। रामचरितमानस अयोध्याकांड। कोल किरात भिल बनवासी मधु सुच सुंदर स्वाद सुधासी भरी भरी परन उटी रचि रूरी कंद मूल फल अंकुर जूरी। कहा है बाबा जी ने कि कोल किरात और भिल आदि बन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु यानी शहद को सुंदर दोनी बनाकर उनमें भर भर कर तथा कंदमूल उन दोनों में शहद ये सब भर के और कंदमूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों को लेके आए प्रभु जी के पास रामचंद्र जी के पास। सब ही दे ही कर विनय प्रणामा कहीं कहीं स्वाद भेद गुण नामा। दे ही लोग बहु मूल न ले ही फेरत राम दुहाई दे ही। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। इतना प्रेम था फिर भी आज के समय पे इस रामचरितमानस अयोध्याकांड की चौपाई को कोई देख नहीं रहा है। अगर कहीं कोई बात कही गई है तो उसको समझने के लिए कहा गया। गुण को आप देखिए, गुण क्या है इसमें, रामचरितमानस में गुण क्या है, आप गुण को देखिए। जिस प्रकार मधु की मक्खी रस पुष्प यानी फूलों के रस को लेके चली जाती है, उसके गुण को निकाल के ले जाती है, पुष्पों को हानि तक नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य को करना चाहिए। एक मधु की मक्खी से एक भौरे से सीखना चाहिए इंसान को, मनुष्य को।